हाय गाइस, नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और आज हम एक जगह जा रहे हैं, और वो जगह है जंगल क्षेत्र, जहाँ पे लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोग पसंद भी करते हैं। तो आज हम उस जगह में जा रहे हैं और आज वहाँ पे बहुत ही आनंद आने वाला है, और आज के इस एपिसोड में बने रहिए। अब हम पूरी तरह से रेडी हो गए हैं और निकलने के लिए बस यहाँ पे गाड़ी खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी से ही हम जा रहे हैं दोस्तों, और चलिए आज आपको दिखाते हैं वहाँ का जो खूबसूरत दृश्य है, वो बहुत ही मज़ा आएगा। और चलिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यहीं से जंगल शुरू होती है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जंगल शुरुआत हो रही है। हम आपको बता रहे थे कि हम ऐसे जगह में जा रहे हैं, काफ़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पे आए दिन हाथी का प्रकोप किसी न किसी को नुकसान पहुँचाते रहता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जंगल क्षेत्र की हमारे दादा लोग कुछ जंगल के क्षेत्र से कुछ घूमने आए थे, और यहाँ की जो रोड बिल्कुल यहाँ तो थोड़ा ठीक है, जस्ट कुछ आगे जाइएगा काफ़ी खतरनाक है, और उस खतरनाक जगहों से लेकर हमें जाना हो रहा है। देख सकते हैं जंगल और बीच में होकर जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्त, जंगल क्षेत्र में किस टाइप से यहाँ पे रास्ता है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है, काफ़ी पथरीली है। इसी से गुजर कर हम पूरा उस गांव जा रहे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, इतना खुशहाल उस जंगल में रहते हैं और यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ राहों पे गुजरना होता है। दोस्तों, जब कभी आए हैं तो आप जंगल क्षेत्र में आपको पता होगा कि किस टाइप से सड़क होती है। आप देख सकते हैं, और इधर देख लीजिए यहाँ पे पूरा बोल्डर शुरू हो गया है, यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी जब शुरुआत में आए तो यहाँ पे चलना बहुत ही दिक्कत हो रहा था, आप देख सकते हैं। आज तक यहाँ सरकार की निगाहें नहीं पहुँच पाई, और आपको दिखाना चाहेंगे रास्ता, आप देख सकते हैं काफ़ी पथरीली है, काफ़ी धूप है दोस्तों। और अभी हम थोड़ा सा इस महुआ के पेड़, आप देख सकते हैं ये जो है महुआ का पेड़ है, और इसी महुआ के पेड़ में थोड़ा सा ठंडा का मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी धूप है, और इस धूप से बचने के लिए आज छाँव जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं आप सबों को दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे साइड जो देख रहे हैं ये काफ़ी जंगल हैं, और आप देख सकते हैं इधर जंगल है, और अभी नया नया पत्ती, कोमल कोमल पत्ती आ रहे हैं, पूरी पत्ती जो पुराने वाले पत्ते थे झड़ चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा वीरान टाइप से लग रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन आप देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे पूरा जंगल है, और यहाँ पे आए दिन हाथी का प्रकोप हमेशा आते रहता है। देख सकते हैं इधर जंगल का जो नज़ारा है, ये रोड साइड में है, तो काफ़ी कुछ छोटे जो झाड़ियाँ था वो सबको हटा दिया गया है, और यहीं से होकर हमको आगे जाना है। देख सकते हैं किस टाइप से यह पूरा बोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, और देख सकते हैं ये जो है महुआ का पेड़ है, किस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, पूरा छायादार है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस छाया में। और जब कभी आएंगे बरसात के सीजन में तो ये पूरे हरा भरा हो जाता है, पूरा गर्मी में पत्ते झड़ कर पूरा वीरान सा लग रहा है, और देख सकते हैं रास्ता किस तरह से दिख रहा है, काफ़ी जंगल है। चिलचिलाती धूप में मैं एक जगह रुक गया हूँ,
और आप सब हमको दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं ये केंदु है, हमारे इस झारखंड में केंदु के नाम से जानते हैं, और आप इसका फल भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मीठा लगता है। और मैं दिखाना चाहूँगा केंदु का जो फल, किस टाइप से फला है, बहुत मीठा लगा, पूरा स्वादिष्ट। और इसका पत्ता से बीड़ी भी बनाया जाता है, और अभी गर्मी के सीज़न में खासकर यहाँ पे केंदु का पत्ता का बीड़ी बनाया जाता है, और गर्मी में ही केंदु का फल का स्वाद भी आप ले सकते हैं, बड़ी मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी केंदु गिरा हुआ है, पूरा केंदु गिरा हुआ है, और इसका पेड़ में फल किस टाइप से लदा हुआ है आप देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है पूरा केंदु का पेड़ फल, और पक के गिर रहा है, हवा जैसे चलती है ये केंदु का फल गिरता है। आपको पूरा हम दिखाते हैं केंदु का पेड़ को, अब देख सकते हैं इसका पेड़ इस टाइप से रहता है, देख सकते हैं पूरा केंदु का पेड़ पूरा फल लदा हुआ है, देख सकते हैं। पहली बार हमने भी केंदु अपने हाथों से चुना और खा रहे हैं दोस्तों। हम पुनः मतलब इस बार जंगल में आए और अपने हाथों से चुनकर केंदु का आनंद ले रहे हैं, केंदु का फल का, और बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरा हुआ है केंदु का पूरा फल, बेचते हैं। यहाँ पे हमने रोक कर केंदु का मज़ा ले लिया।